हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता दें कि आपका जो बिहार पैरामेडिकल का जो फ्रेंड्स एग्जाम है उसके लिए हम लोग मॉडल सेट के प्रश्न को पढ़ रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मॉडल सेट के प्रश्न को पढ़ रहे हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सभी वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आएगा तब जहाज क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि एक नदी में जहाज चल रहा है और जब वह समुद्र में आएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। जब जहाज है वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है दूसरा नंबर कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, रीजन क्या है फ्रेंड्स। चार ऑप्शन दिया गया है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों, तो वायुदाब में कमी हो जाता है फ्रेंड्स। एक बात आप याद रखिएगा कि आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुदाब कमता जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। जब बर्फ को दो टुकड़े को आपस में चिपकाएंगे दबाएंगे तो आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। सही जवाब हो जाएगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो होता है वो घट जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्यों। ऊंचाई की जगहों पर पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्यों। सही जवाब हो जाएगा वायुमंडलीय ताप कम हो जाता है और उबलने की बिंदु जो है वो नीचे आ जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, को मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं मॉडल सेट में कैसे कैसे प्रश्न को सेट किया गया है, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा दाब बढ़ने से क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों। कोई गुब्बारा है वो हाइड्रोजन से भरा है, वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों। तो सही जवाब हो जाएगा वायुदाब जो है वो घट जाता है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, वायुदाब घट जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स लोलक की लंबाई जो होता है बढ़ जाने के कारण। आगे चलते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। अगले प्रश्न की हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़िए 9वां नंबर कि तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा कोशिकत्व क्रिया के कारण, याद रखिएगा, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। अगला चलते हैं कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति जो है वो बढ़ती जाती है, इसका क्या कारण है फ्रेंड्स, डॉपलर प्रभाव होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और थोड़ा फास्ट चल रही इसलिए क्या कि आपके पास एग्जाम में समय कम है, ठीक है। तेज हवाई रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण की दर तेज होती है इसलिए, ठीक है। वाष्पीकरण की दर क्या होती है, तेज होती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों। भाप से जो है ना हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों। तो सही जवाब हो जाएगा भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, क्या होती है फ्रेंड्स, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि किस गुणधर्म के कारण जो होता है, मतलब क्यों, कि पानी से भरे बाल्टी में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। सही जवाब बताएं फ्रेंड्स अपवर्तन के कारण, किसके कारण, अपवर्तन के कारण, याद रखिए। आगे चलते हैं। आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है, आकाश नीला प्रतीत होने का कारण परिकर्णन, क्या होगा फ्रेंड्स, आकाश नीला प्रतीत होने का कारण होता है परिकर्णन। आगे चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स धूलकण। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है फ्रेंड्स, समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों का प्रकाश का परिकर्णन के कारण, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों। सही जवाब हो जाएगा परिकर्णन के कारण, ठीक है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। प्रतिध्वनि का क्या कारण है जी, 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। सही जवाब हो जाएगा ध्वनि का प्रवर्तन, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टील की गोली जो है पारे में तैरती है, क्यों। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों। सही जवाब क्या होगा, 19 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है, याद रखिए। आगे चलते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, क्यों। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा सफ़ेद कपड़े हमें ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं, ठीक है। सफ़ेद कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक ही प्रश्नों को पढ़ते हैं, अगला वीडियो जल्द मिल जाएगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।